अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खान। आज जो हम इस वीडियो में SLO डिस्कस करने वाले हैं वो है 1.3.1 चैप्टर 1, उसका टॉपिक 3 का SLO 1। SLO में क्या कह रहा है, सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। अब आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए, ठीक है, सॉल्व भी करके आए, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि इसमें कह रहा है कि आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट होगा। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम दो तरीकों से सॉल्व करते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। तो मैं दोनों मेथड यहाँ पे करूँगा। आप देखें, पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, मैं लिख रहा हूँ उस इक्वेशन को भाई जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3i। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। अब आप ध्यान दें, ये इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आयोटा आ गया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है। अब जो ये हमारे पास वेरिएबल हैं, इनकी जो वैल्यू होगी वो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा कि हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन को उठाते हैं और किसी वेरिएबल के बराबर करते हैं। सपोज हम कहते हैं, यहाँ से हम ये इक्वेशन उठा रहे हैं, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है, जेड। अब ये डब्ल्यू प्लस का है, अगर मैं इस तरफ रखूँ या ख़त्म करूँ तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये 3i के सामने कोई भी साइन नहीं, मतलब ये प्लस का है, प्लस 3i। ये आपके पास अब इक्वेशन क्या हो गई, 3 हो गई। अब सिंपली आपने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ जेड इन। अब जिस इक्वेशन से ये इक्वेशन 3 बनाई है वो इक्वेशन हम नहीं उठाएंगे, वो 1 इक्वेशन है ना, तो वो नहीं उठाएंगे। तो बाकी कौन सी इक्वेशन बन गई, 2। तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 2। तो चलो सॉल्व करने आते हैं। मैं यहाँ पे रखूँ इक्वेशन 2 2, तो ये हो गया 2। अब जेड है, जेड की जगह पे जेड की वैल्यू पुट करेंगे भाई। जेड की वैल्यू क्या है, माइनस डब्ल्यू प्लस 3i, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, प्लस 3w इज इक्वल टू। अब हम इसको सिंपलीफाई करने आते हैं। चलो इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करने के लिए मैं इस साइड पे करता हूँ, ठीक है। सिंपलीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 2 जो है मल्टीप्लाई करेंगे माइनस डब्ल्यू से, तो ये क्या हो जाएगा, -2w, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3i से, तो क्या होगा, 2 3 6 प्लस 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 6i प्लस 3w इज इक्वल टू 2। अब मैं इस साइड लिखता हूँ, ठीक है। ये माइनस का 2w है, ये प्लस का 3w है। तो माइनस का 2w अगर प्लस के 3w से निकालेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, 1w। तो मैं w लिख दूँ, प्लस 6i इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे 6i ख़त्म करें तो माइनस बोथ साइड 6i करेंगे, तो हमारे पास जो कंडीशन बचेगी वो क्या बचेगी, कि भाई w इज इक्वल टू 2 प्लस है, तो इधर क्या होगा, -6i, ठीक है। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, w की वैल्यू मिल गई। अब एक वेरिएबल मिल गया, ठीक है। अब आप देखें, जो वेरिएबल की वैल्यू मिली है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिली है, मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट भी है, रियल पार्ट भी है। अब हमें क्या चाहिए, जेड की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पुट
W इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा इन इक्वेशन। अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में भी 2 में भी, लेकिन सबसे आसान हमारा रहेगा जेड के बराबर जो रखी थी 3, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में ये पुट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा भाई, जेड इज इक्वल टू माइनस, अब W की जगह पे क्या रखेंगे, 6 माइनस 6 आयोटा, ठीक है, प्लस 3 आयोटा। तो अब Z इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो Z इज इक्वल टू हमारे पास हो गया -2 प्लस 9 आयोटा, ये हमारे पास जेड की वैल्यू हो गई। ठीक, अब आपने कंफर्म करना है कि ये जेड की वैल्यू सही है या नहीं है, तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, आप जेड और डब्ल्यू की वैल्यू इधर पुट करके देखेंगे, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, देखो कि क्या वो दूसरी साइड के बराबर आ रहा है। अगर वो दूसरी साइड के इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स आपने वैल्यू सही पुट की है, अगर दूसरी साइड के बराबर नहीं आ रहा तो आपने वैल्यू सही पुट नहीं फाइंड नहीं किए। चलो चेक करते हैं इक्वेशन 1 में पुट करके। इक्वेशन 1 हमारे पास थी कि भाई जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा। चलो जेड और डब्ल्यू की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि ये सही है या गलत है। डब्ल्यू जेड की वैल्यू क्या है, -2 प्लस 9 आयोटा, ठीक है, और W की वैल्यू क्या है, +2 माइनस 6 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल किसके आना चाहिए, 3 आयोटा के। ये प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, 9 आयोटा है, 9 आयोटा में से -6 आयोटा जाएगा तो क्या बचेगा, 3 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, मतलब हमने जो है इस इक्वेशन की वैल्यूज सही फाइंड की हैं। तो अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट में क्या होगा, आपके पास जो इक्वेशंस होगी उसमें इमेजिनरी पार्ट भी होगा, रियल पार्ट भी होगा, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और जो आप वैल्यू फाइंड करेंगे वेरिएबल्स की उसमें भी ज़रूर आपका जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर आएगा। कभी कभी हो सकता है सिर्फ रियल आए, मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें इसी ऐसे लोग की हम एलिमिनेशन मेथड पे करेंगे। ठीक है।